बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायरे मशरक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक एक बड़े उस्ताद की हैसियत सूरज की सी है, जो अपनी रोशनी और हरारत हर चीज तक बेकमो कास्त पहुंचाता है। मेहमान नवाजी पैगंबरों का खासा है और फकर की पहली मंजिल कस्बे हलाल है। मुसीबत एक अतिया खुदाबंदी है ताकि इंसान पूरी जिंदगी का मुशाहिदा करे। तुम कामयाबी और नाकामी पर नजर ना करो, अपने मकसद तखलीक को पहचानो और जदोजहद किए जाओ। जिंदगी मौत की इब्तदा है और मौत जिंदगी का आगाज। जो शख्स अपनी अजमत के गीत गाए वो कभी अजीम नहीं बन सकता। इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दीन भी है और दुनिया भी। इसके बगैर इंसान ना दीन का रहता है ना दुनिया का। मुसलमान की हकीकी असास तौहीद और खत्मे नबुवत के अकीदे पर है। यकीन एक अजीम कुव्वत और इंसाफ एक बेश बहा खजाना है और सबर एक अजीम सआदत है। दिल एक ऐसी चीज है जो अमीर के पहलू में नहीं होती। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि नेक अमल कभी जाया नहीं होता। काम मेरी निगाह में ऐसा ही मुकद्दस है जैसे इबादत। मोमिन रेशम की तरह नरम और फौलाद की तरह सख्त होता है। वो बंदा कभी जलील नहीं हो सकता जिसमें ये खूबी हो कि वो आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हो। गुलामी बहुत बड़ी लानत है और महकूमी भी। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने और समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के लिए अल्लाह पाक आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।